और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन वापस से रांची लौट आए हैं। दिल्ली में आइए डीआईए अलायंस की बैठक में शामिल होने के लिए चंपाई सोरेन पहुंचे थे, जहां से अब वो वापस से रांची लौट आए हैं। ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं। बुधवार के दिन आइए डीआईए अलायंस की बैठक दिल्ली में हुई और इस बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन, तमाम जो विपक्ष के नेता है वो वहां पहुंचे थे और अब वापस सीएम चंपाई सोरेन रांची लौट आए हैं। तो आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए चंपाई सोरेन दिल्ली गए थे और अब वापस लौट आए हैं। सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, वापस लौट आए हैं चंपाई सोरेन, क्या उनके साथ कल्पना सोरेन भी है और कौन कौन बाकी के नेता है जो वापस अभी लौटे हैं? जी, यदि इंडिया गठबंधन की बात करें तो कल इंडिया गठबंधन की शाम 6 बजे दिल्ली में बैठक की और उस बैठक में शामिल होने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों ही कल दोपहर दिल्ली पहुंचे थे और उस बैठक में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अभी रांची लौट गए हैं और एयरपोर्ट से सीधे निकल के वे मुख्यमंत्री जो आवास है, सीएम हाउस है, वहां पे के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि यदि कल्पना सोरेन की बात करें तो कल्पना सोरेन अभी तक दिल्ली से लौटी नहीं है। हालांकि जो एनडीए के जो कोटी के जो प्रत्याशी थे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व जो केंद्रीय मंत्री थे, उन वो भी दिल्ली से अभी रांची लौटे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक जो इस जो खूंटी की जनता ने उनको नकारा है, जिसके बाद उनका कहा कि जो जनादेश वहां खूंटी की जनता ने दिया है उसे वे स्वीकार करते हैं और आगे जो पार्टी नेतृत्व जो भी काम सौंपेगी वो उसमें आगे काम करेंगे। हालांकि उन्होंने जो स्टेट पॉलिटिक्स है उस पर भी बात करते हुए कहा कि पार्टी की आलाकमान जो भी निर्णय लेंगे और जो भी कार्य सौंपा जाएगा एक कार्यकर्ता के हैसियत से मैं काम करूंगा और वे भी दिल्ली से वापस रांची लौट गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कल की जो बैठक हुई है उसमें शामिल हुए थे, रांची लौटे हैं पर एयरपोर्ट में मीडिया से किसी तरह की उन्होंने बातें नहीं की। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।